उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देते हुए मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा संदेश मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की तरह ही यूपी के सीएम को मारने की धमकी अज्ञात व्यक्तियों का द्वारा मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप संदेश के जारी दी गई। संदेश में कहा गया कि बाबा सिद्दीकी की तरह योगी आदित्यनाथ को मार देंगे। साथ ही संदेश में सीएम को 10 दिनों के भीतर पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी गई। इस पर पुलिस सतर्क हो गई। चूंकि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र आने की संभावना है, मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने धमकी देने वाले नंबर को ट्रेस किया। ट्रेसिंग के बाद पता चला कि वह कॉल एक महिला की ओर से आई थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उस महिला को ठाणे जिले के उल्लासनगर की 25 ईयर्स फातिमा खान के रूप में पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि उसने बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है और उसके पिता लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े हैं। फातिमा अपने परिवार के साथ रहती है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी कारण उसने धमकी भरा संदेश भेजा। इस बीच अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्दीकी की हत्या पिछले महीने 12 तारीख को मुंबई के बांद्रा में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर कर दिया है। इस घटना की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली थी और इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हत्या के बाद भी बिश्नोई गिरोह से कई लोगों को धमकियां मिली हैं। रविवार को इस तरह का एक संदेश यूपी के सीएम को जान से मारने की धमकी के साथ आया, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया है। लेकिन जान से यह संदेश फातिमा नामक आरोपी द्वारा भेजा गया है।